और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था, वह स्तब्ध था यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में चलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हां, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। पिस्ता गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापिस आए, इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना, जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है, और जब नहीं होती है तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज अ सोल देयर इज अ स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है।